जीवन में प्रगति के लिए गुरु का होना आवश्यक है, ये बात हम सब मानते हैं। पर अपनी परिस्थिति को ही गुरु मानकर, अपने परिवार का उत्थान कर, आने वाले पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने को अपना कर्तव्य समझकर, अपना सामाजिक दायित्व निभाने वाली वाणिज्य जैसे क्लिष्ट विषय की 100 से भी अधिक किताबें मराठी में प्रकाशित है, जिनकी अपने जीवन के 32 वर्ष एक नायब शिक्षक के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई और साथ ही खुद भी ज्ञान अर्जित करते हुए एमकॉम, डबल एमए, एमफिल और पीएचडी हासिल कर अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन करके तथा रिसर्च पब्लिकेशन द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाई है जिन्होंने, वो प्राध्यापिका डॉक्टर मेधा कानिटकर। लेखन की प्रेरणा भले ही पिता से मिली, पर वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए किताबों की कमी और इस विषय के प्रति उनका डर दूर करने की लगन ने उन्हें प्रोत्साहित किया वाणिज्य, इकोनॉमिक्स तथा मैनेजमेंट की किताबों को मराठी में लिखने के लिए। पढ़ाई के साथ नौकरी जरूरत थी उस समय की, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के साथ खुद का अस्तित्व भी निर्माण कर महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है डॉक्टर मेधा कानिटकर, जिन्हें सम्मानित किया गया है राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी के बेस्ट टीचर अवार्ड से, जो आज भी एडवाइजरी बोर्ड तथा एडिटोरियल बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत होते हुए शिक्षण क्षेत्र में अपने अनुभव की सेवा देकर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटी है डॉक्टर मेधा कानिटकर।